हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स सी द क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग एंड सेलेक्ट द राइट ऑप्शन. कॉलम वन दिया, कॉलम टू दिया है. मैच करके बताने की कौन सा ऑप्शन में करेक्ट मैच है. फर्स्ट वन इज ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट. तो अगर हम देखें इनमें से कौन सा है, ये जो मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी है ये एक तरह का ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट है, जिसमें होता क्या है, यहाँ पे प्रोग्रेसिव मसल वेस्टिंग एंड वीकनेस होता है. तो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट का मतलब क्या है, एक तो यहाँ पे जो ट्रेट है इसको एक्सप्रेस करने वाला जो जीन है वो ऑटोसोम पे प्रेजेंट होगा. एंड डोमिनेंट मतलब क्या होगा कि अगर एटलीस्ट एक भी अगर प्रेजेंट होगा डोमिनेंट वाले में तब भी वो एक्सप्रेस होगा. तो मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी की अगर हम ये एग्जांपल लेके देख चले यहाँ पे, जैसे एग्जांपल देखें यहाँ पे, जैसे होमोलोगस क्रोमोसोम पे यहाँ जीन यहाँ प्रेजेंट है, तो एक में म्यूटेशन होने से भी क्या होगा, इंडिविजुअल अफेक्टेड होगा. चाहे कैपिटल ए कैपिटल ए मतलब कि दोनों में अफेक्टेड, या फिर कैपिटल ए स्मॉल ए मतलब एक में अफेक्टेड, इन दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, इंडिविजुअल अफेक्टेड होगा मतलब और ट्रेड जो एक्सप्रेस होगा. तो अगर हम देखें ए का क्या होगा, फोर. नेक्स्ट सेक्स लिंक रिसेसिव ट्रेड, तो ये कौन सा होगा, ये हीमोफीलिया. तो हीमोफीलिया में हमें पता है कि डिफेक्ट इन सिंगल प्रोटीन, डिफेक्ट इन सिंगल प्रोटीन जो कि कहाँ पे इन्वॉल्व है, दैट इज पार्ट ऑफ कैस्केड ऑफ प्रोटीन्स इन्वॉल्व इन ब्लड क्लॉटिंग. तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये जो जीन होगा ये कहाँ प्रेजेंट होगा, ये अगर हम देखें एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होगा. और यहाँ पे अगर हम देखें तो फीमेल में अगर दोनों में ही अफेक्ट होगा, दोनों ही अफेक्टेड वाले होंगे, तभी जाके क्या होगा, ये वाला एक्सप्रेस होगा. इसलिए अगर हम देखें यहाँ पे सेक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट दिया हुआ है, तो ये अगर हम देखें, और मेल में तो हमें पता है कि एटलीस्ट एक भी अफेक्टेड वाला है तो दूसरा तो वाई है, तो ये तो एक्सप्रेस होगा ही. तो बी का क्या होगा, थर्ड होगा, मेटाबॉलिक एरर लिंक टू ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट. तो ये कौन सा, फिनाइल कीटोन्यूरिया. इनमें क्या होता है, ये जो फिनाइल कीटोन्यूरिया है इसमें क्या होगा, यहाँ पे जो एक जीन है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ एन एंजाइम दैट इज फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ फिनाइल एलेनिन इनटू टायरोसिन. तो जब यहाँ पे म्यूटेशन होगा तो ये वाला जो है ये हमें पता है कि ये लैक होगा, लैक होने की वजह से इसका कन्वर्जन नहीं होगा, तो ये एक्यूमुलेट होगा एंड फर्दर कन्वर्ट होगा फिनाइल पाइरुविक एसिड में. एंड हमें पता है कि जब इनका और अदर डेरिवेटिव में, और जब ये एक्यूमुलेट होंगे ब्रेन में, तो हमें पता है मेंटल रिटार्डेशन होता है. तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो सी का क्या होगा, सेकेंड होगा, एडिशनल कॉपी ऑफ 21st क्रोमोसोम. तो ये किसमें देखने को मिलता है, ये जो फर्स्ट वन डाउन सिंड्रोम है इसमें. सो 21st क्रोमोसोम में क्या होता है, जैसे कि होमोलोगस क्रोमोसोम है तो एक एडिशनल कॉपी प्रेजेंट होता है. इसकी वजह से क्या होगा कि जो इंडिविजुअल है ये क्या होगा, शॉर्ट स्टैचर्ड होगा विथ स्मॉल राउंड हेड एंड फरोड टंग होगा, पार्शली ओपन माउथ होगा. इसके अलावा फिजिकल साइकोमोटर एंड मेंटल डेवलपमेंट जो होगा वो रिटार्डेड होगा यहाँ पे. तो अगर हम देखें ए का क्या होना चाहिए, ए का फोर होना चाहिए. यहाँ दिया इन दोनों में फर्स्ट दिया तो गलत होगा, इसमें थर्ड दिया ये भी गलत है. देन बी का थर्ड होना चाहिए, बी का थर्ड सही है. सी का सेकंड होना चाहिए, सही दिया है. डी का फर्स्ट होना चाहिए, सही दिया है. करेक्ट आंसर दिस थर्ड वन. होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.